अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन बुक शामदीद। आज की वीडियो टॉपिक है कि हमारे पास नोकिया का एक मॉडल है 108, तो इसका जो है तो वाइट डिस्प्ले हो गया है, तो ये गिरने की वजह से हो गया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करना है। इसकी बैटरी निकालनी है और इसके पेज खोल लेना। का जो है लॉक सिस्टम थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको आराम से और इजी तरीके से इसको ऐसे खोल लेना, ज़्यादा इसको जोर नहीं लगाना ताकि ये इसके लॉक वगैरह जो है ये टूट ना जाए। इसको उतारेंगे, इसकी स्टिप चेक करेंगे। तो ये देखें थोड़ी सी इसकी ना ये वाली स्टिप जो है यहाँ से टूटी हुई है, तो इसको एलसीडी को उतारते हैं। ब्लेड की मदद से इसके सारे पॉइंट जो हैं वो साफ़ कर देने। इसके जो दोनों साइड वाले पॉइंट होते हैं वो होते हैं, इसका ग्राउंड होता है और साथ वाले इसका पॉइंट होता है, वो सेकंड पॉइंट है। इधर से जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है इसका पावर का पॉइंट, और साथ ही जो थर्ड पॉइंट है यानी कि तीसरा और चौथा पॉइंट होता है वो लाइट का, छठा और पाँचवा और छठा जो है वो होता है इसका डिस्प्ले के पॉइंट। ऐसे ही इसके सातवां और आठवां इसका जो होता है वो ग्राउंड होता है। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट होता है वो कलर के होते हैं पॉइंट। तो दोस्तों ये आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर इनमें से अगर आपकी स्टिप ठीक हो, आपकी एलसीडी ठीक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इन पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। और मैं आपको पॉइंट चेक करने का तरीका भी बताता चलूं। फ्रेंड, इसके पॉइंट चेक करने का तरीका ये है कि आपने मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पे आपने सेट कर लेना है। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपने जो माइनस वाला ये ब्लैक तार है इसकी माइनस जो है इसका आपने वो ग्राउंड पे रखना है, और प्लस जो है आपने इसके पॉइंट के ऊपर लगाना है।
ये देखें, यह वो हमारा मीटर बता रहा है कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड पॉइंट वो भी ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो भी ठीक है। ऐसे हमने सारे पॉइंट चेक कर लेने, अगर कोई भी पॉइंट मिस हो तो वो मीटर आपको बता देगा, तो वो फिर मीटर वर्क नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट इसका मिस है और आप उसको जंपर डाल सकते हैं उस पॉइंट को, जो सा पॉइंट भी मिस हो आपको स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेक करके उसको जंपर डाल सकते हैं और आपका जो है मोबाइल वो ऑन हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। अब हम इसको LCD लगाते हैं, पॉइंट्स को इसको केले केले सोल्ड कर देना है ताकि ये पॉइंट आपस में अटैच ना हो। के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वाइट डिस्प्ले का वो हल हुआ है या नहीं। ये देखें हमारा जो है वो वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है, वो हल हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और मसला आए तो आप वो भी हमसे शेयर करते हैं। मैंने आपको बताया है कि कैसे इसके पॉइंट चेक करने हैं, कैसे इसका ये LCD पॉइंट है वो आप उसको चेक कर सकते हैं और कैसे आप उसको जंपर डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको किसी जंपर के मतलब आपने कुछ पूछना हो तो कहाँ डालना है किसी मोबाइल का, नोकिया के जो जितने भी मॉडल है 101 या 110 या 108 ऐसे जितने भी मॉडल हैं इनका तकरीबन सभी का बोर्ड के जंपर जो है वेव वो अलग अलग है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सा मॉडल है और किस मॉडल को आप जंपर डालने ना चाह रहे हैं इसके LCD कनेक्टर को, तो आपने उसको पहले देख लेना है फिर आपने उसको जंपर डालने। तो दोस्तों अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर आपको बता देंगे। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो जो आपको वो सबसे पहले मिल सके और आप उसको इजी देख सकें, और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि उसका जो है नोटिफिकेशन आपको नई आने वाली वीडियो का आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।